आपने से ही अटेम्प्टल इंडिया फोर्थ रैंक प्राप्त किया है you, so journey, क्या आपके फैमिली में भी कुछ लोग पहले आई एस आई पी एस सिविल सर्वेंट है हिमांसु

उससे भी पुराना अगर जाए तो बंचारी गांव है होटल के पास वहां से बिलोंग करता हूँ बट प्रेजेंटली अब मैं पिछले आठ से दस सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में मैं शाहदरा में रह रहा हूँ मैंने यहाँ से अपने सारे स्कूलिंग और कॉलेज किए हैं तो शाहदरा में रहने इसका मतलब पेरेंट्स जो है वहां से आकर के यहाँ बस गए होंगे शाहदरा दिल्ली में जी फादर तो या और क्लोज अंकल फैमिली में सब लोग क्या करते हैं स्पेशली सर एक्चुअली uh, मेरे फादर का ग्रैंडफादर का इन सबका ज्वेलरी का बिजनेस है तो right. पहले उधर भी था अब शादरा में भी है अच्छा बेसिकली आपकी ज्वेलरी के बिजनेस है पूरी फैमिली और ब्रदर सिस्टर में से कौन कौन है सर एक छोटा ब्रदर है मेरा एंड ही इज डूइंग लॉ फ्रॉम नारसी मुंजी कॉलेज डज यू वांट टू कंटिन्यू इन लॉ और ये आपके साथ अभी अभी। सिविल सर्विसेज चाहेगा। सर, में uh, you know, में ही है वो अभी. तो तो के बाद अभी तो fourth year आएगा, fifth year में decision लेगा कि जुडिशरी देना है या फिर प्रैक्टिस करना है जो भी उनका मन करेगा वो कर देंगे हिमांस आपके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है की आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई सर्विण सर्विण नहीं है जी सर नेचुरली तो बड़ा डिफरेंट टाइप का है जहाँ आपके यहाँ ऑलरेडी ज्वेलरी का बिजनेस है आपकी फैमिली का जी सर ये आइडिया सिविल सर्विस में जाने का आया कहाँ से आपके मन में सर दो तीन बातें हैं कि एक तो मेरे जो दादाजी हैं उनका बिजनेस था है मतलब ज्वेलरी का तो वो उसमें काफी ठीक अच्छा कर रहे थे फिर उन्हें ऐसा एहसास हुआ फीलिंग हुआ कि बिजनेस में पैसा तो है बट थोड़ा और भी कुछ उससे बड़ा है जो नाम है इज्जत है तो वो सब उससे भी अलग चीज में मिलता है जो कि ये ऑफिसर ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं तो उन्होंने मुझे बचपन से ही मोटिवेट किया है कि पढ़ने के लिए और पढ़ के जो है इस दिशा में जाने के लिए दूसरा जब ये सपना थोड़ा बहुत दादाजी ने दिखा दिया उसके बाद अपने आप भी रिसर्च करते थे कभी टेंथ में ट्वेल्थ में सोचते थे कि ऐसा सिविल सर्विसेज के पेपर दे के आई एस आईपीएस कुछ बनेंगे तो तब सोचा फिर कॉलेज में थोड़ा और ध्यान से एक्सप्लोर किया फिर ऐसे धीरे-धीरे करके जो रिजॉल्व था वो स्ट्रांग होता गया कि हां बनना आईएएस ही है तो पेपर दे देते हैं तो कॉलेज के बाद सीधा डेडिकेटेड पढ़ाई की तो सर पेपर क्लियर हो गया ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके ग्रैंडफादर जबकि एक एस्टेब्लिश बिजनेस है आपका जी सर इन्होंने आपके दिमाग में ऐसी डाली कि भी नाम पैसे के अलावा भी एक समाज में एक प्लेटफार्म एक अलग से पहचान ये आपको ऑफिसर बन करके मिल सकता है तो ये सीर आपके दिमाग में आ गया है राइट एक पहचाना नाम सौरत के अलावा इसके अलावा भी कुछ करियर की चॉइस है ना कि कुछ ऐसा करियर में हम जाए तो कि भाई बिजनेस से ऊपर उठ करके कुछ करना है बट फिर उसके बाद आता ये चॉइस के आगे क्या करें जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट भी हैं जी सर किस कॉलेज से पढ़ाई की हंसराज कॉलेज से सर आपने ग्रेजुएशन भी किया

मुझे मतलब इसमें काफी दूर तक इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं ए, एक ही जो है जॉब या फिर एक ही टास्क हो सकता है कि एन एन नंबर सौ लोग दो सौ लोग वो एक सिग्नेचर से ही इफेक्ट हो जाते हैं तो जितना इम्पैक्ट इस जॉब में कर सकते हैं उससे सेटिस्फेक्शन मिलना तो ये सब कर, सारे फैक्टर्स थे कि मुझे अच्छा लगा और मतलब मैंने डिसाइड भी किया कि मैं सिविल सर्विसेज का ही पेपर दूंगा

कि फैमिली में जिसे होता था ना पहले कुछ करे तो कुछ लोग हरियाणा से पंजाब से अपने बच्चे को आर्मी में जरूर भेजना चाहते थे राइट जी जी सर्थ. तो आज की स्थिति में डेवलपमेंट में भाग लेने के लिए एक कंट्री के एक पूरे सिस्टम में एक ग्रास रूट लेवल से भाग लेने के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है जहाँ अच्छे वेल ऑफ फैमिली के बच्चों को भी जरूर जाना चाहिए और उससे कंट्रीब्यूट करना चाहिए जी सर बिल्कुल एक कॉलेज के दौरान में आपने फैसला कर लिया राइट तो ये तो एक नॉर्मल आपके लिए शायद बहुत ही स्टडी क्वेश्चन शायद ना भी हो बट फिर सिविल सर्विसेज के लिए जो ना एक बड़ा मैटर रहता है कि हाउ टू तो रिमेन मोटिवेटेड बड़ा ही टेंशन रहता है होगा या नहीं होगा नहीं होगा तो क्या होगा तो क्या आप भी इस से फेस से गुजर रहे थे सर बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि जर्नी ही इतनी लंबी होती है अब कॉलेज टाइम में थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं कि अभी कॉलेज है फिर देख लेंगे कॉलेज के बाद क्या होगा तो कॉलेज के बाद जैसे ही कॉलेज खत्म होता है नेक्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है दिमाग में कि अब क्या कॉलेज के बाद तो देखा मैंने देखा तो जैसे जिस तरह से मैंने बताया कि मैंने एम बना रखा था तो कि सिविल सर्विसेज का पेपर देना है तो मैंने वही किया अपना कॉलेज के खत्म होने के थोड़ा ब्रेक लेके अपना पढ़ाई करना शुरू किया गाइडेंस करी सिलेबस uh, तैयार करा क्या पढ़ना है मटेरियल तो ये सारी एक्सरसाइज करने में थोड़ा टाइम निकलने के बाद जब रूटीन में हम पढ़ने में आ जाते हैं तो फिर ये बातें आती हैं कि अगर होगा तो क्या होगा नहीं होगा तो क्या होगा तो ये पार्ट ऑफ साइकिल है सर अप्स एंड डाउनस आते रहते हैं मोटिवेटेड रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो सर फैमिली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू कीप अस मोटिवेटेड अपार्ट फ्रॉम फैमिली उसके बाद क्लोज फ्रेंड्स या फिर जो फ्रेंड्स हैं वो सारे हमारे एक तरीके से एक मोटिवेटर का ही काम करते हैं

आ, नहीं होगा तो क्या होगा तो मैंने तो सोचा था कि नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा अगर चेंज करना है तो ट्राई किया है तो करके देखते हैं किस गिल्ट के साथ इस डर के साथ क्यों करें अगर नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा वो भी नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा तो इसलिए आ, कभी डर के नहीं दिया पेपर आ, होगा ठीक है नहीं होगा तो भी ठीक है कुछ और आ, अच्छा होगा या नेक्स्ट टाइम होगा तो इस थॉट के साथ पेपर दिया था सर तो कभी इस तरह की टेंशन जो होती है या फिर जैसा अभी आपने कहा कि डीमोटिवेट हो जाते हैं वो हुआ ही नहीं जब मन करता था तब पढ़ाई कर लो जब नहीं मन किया तो पढ़ाई ऐसे जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं होता दो घंटे आप मन लगा के पढ़ रहे हैं या फिर अगर छह घंटे तक बिना मन के किताब में देख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता तो दो घंटे ही पढ़ के छोड़ देता था सर तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है बेसिकली तो से स्पष्ट है कि हर हालत में अपने आप को खुश रखना है सेल्फ स्टीम हाई रखना है जी सर और किसी चीज को डर डर कर करने से अच्छा है कि अपने आप को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उस पर हम भाग ले इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में कुछ अचीव करना है तो हमेशा अपने आप को खुश रखो मोटिवेटेड रखो सेल्फ स्टीम यदि आपकी हाई होगी बहुत तो सारे जीवन के जो बैटल हैं आप यू ही जीत जाएंगे लेकिन आप पहले से मन में हारे में जिसको कहते हैं ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत है सर तो यही कहना चाहूंगा नॉलेज एक पार्ट है जर्नी का नॉलेज गेन करना पढ़ना किताबें उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है अगर फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ हमारी थोड़ी भी डाउन जाती है तो हमारी जो नॉलेज गेनिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है तो तीनों पैरल चलेंगे तभी एकदम जो सिलेबस है पॉइंट है वो सब कुछ अपने ब्रेन में बैठेगा वेरी गुड बहुत अच्छा तो ये क्या आप तो 2018 किया आपने ग्रेजुएशन किया

फर्स्ट अटेम्प्ट था जो गलतियां थी वो ठीक करने का मौका मिलेगा आगे तो आगे पढ़ने के लिए फिर से मोटिवेशन ही हुआ था उसे फेलियर को लेके तो एक तरीके से लेसन था सर वो यू टूक इट एज फेलियर एज पिलर ऑफ सक्सेस बहुत अच्छा यस yes, आप हिमांशु क्या आपको लगता है यदि पहली बार में प्री हो जाता आपका तो क्या फाइनल सिलेक्शन उस बार भी हो सकता था कि आपका सर हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन उस आ, साल भी हो जाए क्योंकि आ, जो सारी तैयारी है थ्रू आउट तो चलती ही रहती है बट जो एंड के डेज में हमारी तैयारी होती है प्रीलिम्स से ती, तीस दिन पहले पचास दिन पहले या मेंस का जो पीरियड होता है उसमें वो डिसाइड करता है कि आगे रिजल्ट कैसा आना है क्योंकि इसी इस साल भी आ, मेरी सिस्टर कजन सिस्टर है उनकी शादी थी अप्रैल में तो पूरा अप्रैल कुछ नहीं पढ़ा था बट में में था तो जून में पेपर था दो जून को तो आ, पेपर हो गया फिर ऐसे ही अः जु, जुलाई बारह को रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का तो उसके बाद भी दो ही महीने थे दो महीने आठ दिन तो उसमें जो पढ़ा फिर मेन्स में लिख दिया तो इस तरीके से सर की हो सकता उस बार भी हो जाता

कहाँ आएंगे सिलेबस कहाँ से आता है क्वेश्चंस कहा से आते हैं अपना जो सिलेबस है अपने जो रिसोर्सेज है उनपे कॉन्फिडेंस रख के पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ यू विल गेट द रिटर्न बाय योरसेल्फ कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा हाँ लेकिन आप कह रहे हैं कि कभी ना कभी मिल जाएगा लेकिन आपकी तैयारी कुछ ऐसी हो गई की जल्दी ही मिल गया तो वो जो यही रहस्य जो है आपसे ऑल इंडिया फोर्थ रैंकर है आप लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपके पास है जो लोगों को शेयर करना चाहेंगे आप कह रहे हैं कि पहले बार में भी मेरा सिलेक्शन हो जाता यदि प्री क्लियर होता तो क्या समझे इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका कि आपके सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है सर सीक्रेट ऑफ सक्सेस मैंने अभी जैसे बताया कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ 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 मतलब नॉलेज गेनिंग के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ जरूरी है तो मेंटल हेल्थ का ही सारा सर एक तरह से गेम कह सकते हैं क्योंकि रिलैक्स माइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है सर फिर रिलैक्स माइंड के साथ साथ जो भी हम कर रहे हैं उस पर हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है या रिसोर्स हैं क्या मटेरियल हम पढ़ रहे हैं या जो हमने पढ़ा है वो हमें ठीक से आया नहीं आया जब तक कॉन्फिडेंस बिल्कुल परफेक्ट ना हो तो उसके अलावा नॉलेज uh, तो गेन करना एक पार्ट है तो वो uh, हमें कॉन्फिडेंस होना अपने आप पे फेथ होना माइंड को रिलेक्स करना फियरलेस होना और जो कर रहे हैं वो अपना फुल फोकस से करना यही सारा सर पूरा पढ़ने का तरीका है पढ़ाई की स्ट्रेटेजी तो सबकी डिफरेंट हो सकती हैं बट ये जो है ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि सबके साथ होते हैं स्ट्रेस लेने से हमारा टाइम वेस्ट होता है स्ट्रेस लेने से हमारे जो एक्टिव आर्स हैं वो पैसेवार में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सब ना करके अपना फुल फोकस से पढ़ते जाते हैं अपना कंटेंट करो और मार्क करते जाते हैं तो वही सर स्ट्रेटेजी थी सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है बट ये जो है ये कॉमन चीजें हैं सबके पास सबको अपना यही पढ़ना है पढ़ना के लिए लिए सिलेबस भी भी सेम ही है सबके बुक्स भी, थोड़ी थोड़ी अलग हैं बट जनरल तो बुक्स सेम ही है तो ये जो मेंटल हेल्थ वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर आप जो कह रहे हैं वो बड़ा मीनिंगफुल बात कर रहे हैं कि नॉलेज तो एक पार्ट है जो सबको लेना है लेकिन सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को मेंटली फिजिकली इमोशनली कैसे फिट कर रहे हैं जी क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन विद्वान के टेस्ट के के टेस्ट लिए तो है नहीं आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर रूप में जांचा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने आपको तैयार करना है और ये तैयारी के दौरान में इन क्वालिटी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है जो हम पढ़ते हैं सर उससे ही मेरे को लगता है कि ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं क्योंकि हिस्ट्री हमें सब कुछ सिखा देती है कि सब चीजें रिपीट होती हैं सक्सेस फेलियर सब पार्ट ऑफ लाइफ है तो हिस्ट्री uh, मेरे को लगता है कि सारा कुछ सिखा देती है बाकी सब्जेक्ट्स भी कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं तो नॉलेज के साथ साथ जो उनके लेसन हैं वो भी uh, बहुत इम्पोर्टेंट है अल्टीमेटली आप विजडम क्या डेवलप कर रहे हो राइट सर एक आपने अभी मेंटल हेल्थ की की बात ऑफ कोर्स आपने काफी स्पष्ट कर दिया है लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो स्ट्रेस तो होगा बट आप कैसे मैनेज करें वो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी बात इसके बारे में मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपने अभ्यास में किया वो जरा बता दें सर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दो तीन बातें इम्पोर्टेंट हैं एक तो आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है आप व्हाट यू ईट बिकॉज जो हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को पूरा वर्क कर रहा है उसकी वजह से हमारा ब्रेन चल रहा है और उससे जो हमारा स्ट्रेस है या नहीं है वो डिसीजन होता है right. तो थ्रू आउट द वी शुड ईट आउटी जंक फूड खाना या फिर मोर ऑफ फ्राइड या ऑयली बटर मोर ऑफ इट ये सब कुछ जो है हमारे माइंड को मुझे लगता है स्लो uh, कर देते हैं और स्ट्रेस फुल बना देते हैं तो okay. मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेपरेशन में आई हैव लिव्ड एट होम तो घर पे तो घर का खाना भी पूरा बटर और इन सब में भी बनता है तो थ्रू आउट वेजिटेबल्स का बहुत रोल है तो तो में सबसे पहला तो, eating का रोल है सर एनर्जी मैनेजमेंट वेरी गुड बहुत अच्छी बात आपने उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दूसरा है हमारे पियर्स क्या है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पियर्स की मैंने बात की थी जो नेगेटिव लोग हैं नेगेटिव Thoughts उनसे ही आते हैं तो हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है खत्म कर देना चाहिए वी डोंट नीड पियर्स इन थ्रू आउट दिस जर्नी वी नीड ओनली पॉजिटिव पियर्स और okay. उनमें भी एक या दो लोग सफिशियंट हैं आई हैव प्रिपेर थ्रू आउट माई जर्नी ओनली विद वन फ्रेंड यूपीएससी no, no मेडिकल तो uh, तो में या फिर इंटरव्यू के प्रोसेस uh, में कुछ लोगों से मिला तो तब जाके मेरे मोर देन वन फ्रेंड बने अदरवाइज आई नो ओनली वन पर्सन जो कि यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं अदरवाइज आई नेवर न्यू एनी बडी हेल्थेड यस सर उसके अलावा सर हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने पर्सनल थॉट्स से भी होता है अब लाइफ uh, है एंड वी आर एट द एज वेयर एवरीथिंग हैपेंस तो जो पर्सनल अफेयर्स हैं बीट रिलेशनशिप अफेयर्स या फिर अपने फैमिली इश्यूज हैं रिलेटिव्स के साथ तो ये सारे इश्यूज वी कैन लेट गो तो अगर इन्हें लेट गो करेंगे तो या फिर पोस्टपोन करेंगे कि पेपर जब हो जाएगा उसके बाद इन्हें देख लेंगे तो पेपर होने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस हो जाएंगे तो अगर ये सब इश्यूज नहीं रहेंगे तो एकदम काम एनवायरमेंट रहेगा एनवायरमेंट अगर काम रहेगा फिजिकली और ईट हेल्दी करेंगे हम खाना अच्छा खाएंगे नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे ये सारी चीजें सर स्ट्रेस को मैनेज करने में काम आती हैं उसके अलावा एक एक पॉइंट आता है कि अगर पेपर नहीं हुआ तो क्या तो वो तो सबके साथ ही है और उसमें हमें ये ढूंढना होता है कि अगर नहीं हुआ तो भी क्या है कुछ और अच्छा हो जाएगा ये दिस वॉज द लाइन स्ट्रेस फ्री थ्रू आउट ये करने का सोचा है हो गया तो बहुत अच्छा नहीं हुआ तो इससे भी अच्छा so uh, कैरी एक तो एक नहीं करना है चीज है कि एक पॉजिटिव कि ये नहीं कुछ और भी बेटर होगा लेकिन ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा तो क्या होगा आप सोच रहे कुछ बेटर ही होगा मार्केट ऑफ गॉड कहते हैं, में, yes, sir, yes. आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर में एक टाइम मैनेजमेंट बड़ा कुशल होता है क्योंकि आपने एग्जाम की तैयारी पहले अटेम्प्ट में भी अच्छे से कर ली फिर सेकंड भी दिया तो अपने टाइम को कैसे मैनेज किया क्या आप बहुत ज्यादा पढ़ाई के समय लगे हुए थे या 24 आवर्स को आपने प्रॉपरली डिमार्केट कर रखा था किस में क्या करना है सर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने uh... ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि मैं एक ही चीज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं तो उसके लिए आ, कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि हम दिन में चार सब्जेक्ट के कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे तो मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट थी मेरी स्ट्रेटेजी में मैं Uh, उठाता था जैसे उठा जो, जो था जैसे जैसे पूरा का जो जो पॉइंट्स हैं पॉइंट वाइज कवर करता ट हिस्ट्री है तो मैं पूरा एंशियंट हिस्ट्री उठा के जब तक मेरा एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है आई नॉट इवन लुक एट एनीथिंग एल्स बस न्यूज़पेपर के अलावा जब तक एंशियंट हिस्ट्री खत्म नहीं होता मैं एंशियंट हिस्ट्री कर रहा हूँ सो स्ट्रेस फ्री तरीके से ही किया कि

तो मैं तब तक पढ़ता था सर टाइम चाहे ज्यादा लगे या कम लगे उसके अलावा पूरा एक साल प्रिपरेशन की थी प्रिले में फर्स्ट ईयर में तो बुक्स पढ़ चुका था काफी जो बेसिक बुक्स पढ़नी होती है दो बार तीन बार फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में और भी चीजें करनी होती आंसर है आंसर प्रैक्टिस किए और बुक्स पढ़नी है फिर रिवीजन करना है तो मैक्सिमम रिवीजन का टाइम चाहिए तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सर अपने आप हो जाता है बस हमें सिलेबस और मंथ को रफली एक पार्ट में डिवाइड करना होता है कि हमारे पास इतने डेज हैं और इतना सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे प्रोपोर्शनेट डेज दे दें इतना ही टाइम मैनेजमेंट का काम है और डेली का टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं सर तो uh, मैं डेली तो सेशन uh, एक सेशन uh, कह सकते हैं कि सुबह 9:00 बजे से uh, पढ़ना शुरू करता था 8:00 9:00 बजे से जब भी उठने के बाद पेपर पढ़ने के बाद नौ बजे से पढ़ना शुरू करता था और जब तक मेरा फुल फोकस रहता था विद ब्रेक्स तो मैं तब तक पढ़ता था तीन बजे तक दो ढाई तीन बजे तक तो इसके बाद सर अगर इस सेशन में मैं अच्छे से पढ़ लेता था तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो जाता था दैट आई हैव Uh, done it for, uh, today. आज का काम हो गया तो उसके बाद अगर मन करता था तो मैं पढ़ता था नहीं मन करता था तो सर बिल्कुल इसका मतलब आपने रखा था जी सर आठ बजे से लेकर दो तीन बजे तक पढ़ लेना है और उसके बाद यदि मन करा पढ़ेंगे ना तो फिर ठीक है आपने बनाई तो बीच में लंच ब्रेक हो तो नहीं नहीं सर हाँ वही मैं बता रहा था कि अः नौ बजे से जब मैं दो बजे तक या तीन बजे तक पढ़ता था उसके बीच में सिर्फ जैसे मैंने अभी बताया कि मैं फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस करता था खाने में तो उसके बीच में सिर्फ एक बार फ्रूट खाता था और आ, जो अपना लंच है वो

जी सर लंच के बाद फिर मैं जब तीन से चार में लंच किया टीवी देखा जो भी किया और फिर चार के बाद मैं छह बजे तक अपना अपने आप को रिलैक्स करता था क्योंकि मैं घर पे रहता था तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था और फिर छह बजे से आठ बजे तक अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो मैं पढ़ता था वो सेकेंड सेशन मान सकते हैं कि सेकेंड टाइम में पढ़ रहा हूँ दिन में तो जितना उसमें आठ सवा आठ बजे तक मतलब दो घंटे और पढ़ लेता था उसके बाद मैं पर्सन सर तो मेरा सात आठ बजे के बाद मेरे फादर आ जाते थे तो बस फिर उसके बाद फैमिली टाइम नॉर्मल जैसे सब लोग करते हैं अच्छा उसके बाद लगभग दस बजे के आसपास अच्छा तो सो जाते थे जी आप। सर दस ग्यारह बारह ऐसे सो जाते थे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सब को जो सुन रहे हैं आपको जानना चाहिए कि आपने आपने रूटीन को बहुत ही अच्छा रिलैक्स्ड पूरी एनर्जी मैनेजमेंट के साथ स्टडी किया, कि किया।, किया रात की नींद अच्छी पूरी करी है ना आपके क्या कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आप करते थे खाने का तो आपने बता दिया बाकी बताए एक्सरसाइज वगैरह की भी कुछ हैबिट थी सर थोड़ा पंद्रह या बीस मिनट का सुबह उठ के मैं पीटी जरूर कर लेता था अपने हाथ पैर ऊपर नीचे जो वन टू थ्री फोर करके करते हैं। बट इसके अलावा नॉर्मल बाकी मतलब पैदल चलने की ज्यादा कोशिश करता था कि जो वेट गेन ना हो क्योंकि बैठ के पढ़ने से वेट गेन हो जाता है एंड तक हो भी गया था बट बाकी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ज्यादा अभी हो नहीं पाया था बट इम्पोर्टेंट तो है सर थोड़ा तो बहुत टहलने के लिए निकल जाते होंगे अपना जी काम जी, हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी जो जर्नी है थोड़ा आगे बढ़ते हुए आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक रिसोर्स होता है स्टडी के रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना जी सर इस तरह का आपका अप्रोच दिख रहा है नेचुरली आपने बहुत रैंडम स्टडी नहीं की होगी आपने एक सिस्टमैटिक स्टडी की होगी तभी आप इस तरह के समय को निर्धारित करके आप अपना निकाल पाए करेक्ट जी सर ऑनली देर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऑफ द स्टूडेंट्स कभी इसकी सलाह ले रहे हैं कभी उसकी सलाह ले रहे हैं कभी इस कोचिंग का मटेरियल कभी उस कोचिंग का मटेरियल जी तो सर कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो अप्रोच था टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट रिसोर्सेज वो क्या था सर रेलेवेंट uh, रिस क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जैसे आपने कहा कि मार्केट जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं इन्फॉर्मेशन और बुक्स की लिस्ट की एंड नहीं है तो मुझे तो लगता है कि बुक्स कि हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बेसिक बुक्स तो सबको पता है और सारी मार्केट में अवेलेबल हैं नेट पे अवेलेबल हैं दैट टू गवर्नमेंट पब्लिश्ड बुक्स हैं सारी so, बेसिक बुक्स आर टीज के हैं हिस्ट्री एनसीआर जोग्राफी एनसीआर फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए एनसीआर टीज पढ़ सकते हैं पॉलिटी पॉलिटिक इलेवन की एनसीआर पढ़ सकते हैं तो ये सारी बुक्स तो एनसीआर में अवेलेबल है ही उनके अलावा सर एक एक रेफरेंस बुक और मैंने चूज की थी हिस्ट्री uh, के लिए हमारी स्पेक्ट्रम uh, की जो बुक है या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कह सकते हैं ज्योग्राफी uh, के लिए जीसी लियोंग और शंकर आई एस फॉर एनवायरमेंट के लिए एक बुक आती है तो ये सारी बुक्स जो बेसिक हैं उनके रेफरेंस बुक्स भी जो थी ये सब हमने चूज की थी uh, उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए सर पहले पढ़ता था मैगजींस वगैरह बट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे मैगजीन थोड़ा कम पसंद आने लगी तो मैंने मैगजीन पढ़ना छोड़ दिया तो आ, मैं पेपर से पीआईबी से पीआरएस जो जनरल गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उन सब से पढ़ता था सर आपने ऑथेंटिक सोर्सेज को ज्यादा जी सर मान सो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से अपने इनिशियटिव बुक की चर्चा कर दी जी सर मतलब है कि आपने अपना फंडामेंटल स्टडीज जो है और स्ट्रेंथ आपने बेसिक एनसीआरटी बुक से बना लिया था जी सर जी, जी। वही एनसीआर को बार बार पढ़ने से ही होता है सर क्योंकि एनसीआर लेसन भी है फैक्ट्स भी है नॉलेज भी है इवन एंशंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा काफी इंटरेस्ट भी था ऑप्शनल uh, तो नहीं लिया बट इंटरेस्ट काफी था क्योंकि लेसन के साथ साथ करंट से रिलेट भी होते थे कि वट वी आर कि हमें पता चलता था ये हम कौन है तो हिस्ट्री पढ़ के बहुत अच्छा लगता था हिस्ट्री मैंने अपने पूरी जर्नी में थर्टी uh, परसेंट किया है तो वो हिस्ट्री को किया है सर। और ओवरऑल क्या कुछ नोट्स बनाने की भी आप क्या आपकी आदत कि कहते हैं ना हाउ टू प्रिपेयर नोट्स ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है आपकी भी आदत कुछ ऐसे थी कुछ नोट्स बनाने के लिए शुरुआत में मुझे लगता है कि सर पहले या दूसरी बार तक जब पढ़ते हैं एनसीआरटी को तो हमें लगेगा कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है तो अगर नोट्स बनाने बैठेंगे पहली बार पढ़ेंगे दूसरी बार तक भी तो लगेगा सब इम्पोर्टेंट है सब लिख लिया जाए तो फिर वो नोट्स की जगह एक नोटबुक बन जाएगा नोट्स तो रहेंगे नहीं तो नोट्स तो जब मैंने बनाए तो नोट्स नहीं बनाए ऐसे बस पॉइंट्स बनाए थे जैसे नोट्स कह सकते हो कि तो, ड्यूरिंग द मीन्स प्रिपरेशन मैंने अपनी नोट्स बनाए थे जिससे कि मेरे को मीन्स में रिवीजन में आसानी हो सर yeah. जो 2019 का मीन्स था उसके लिए जब मैंने जीएस की पढ़ाई की थी तो उस दौरान मैंने एंशिएंट uh, हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे उसके अलावा मैंने मैपिंग से सर सारी ज्यादातर पढ़ाई की है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी सारे जितने भी इवेंट्स होते थे वो सब मैप पे मार्क कर कर पढ़ा तो तो उस तरीके के नोट्स है, नोट्स हैं हैं इनोवेटिव इनोवेशन कह सकते सर उसे क्योंकि ट्रेडिशनल नोट मेकिंग में तो बार बार पढ़ने से ही याद हो जाता है बेसिकली नोट्स का मतलब आपका कहने का परपज है कि रिविजन के लिए यदि आप कुछ स्केच करके ब्रीफ में क्वालिफाई करके रख सकते हैं तो अदरवाइज जो आपने कहा कई किताब मिला करके कि आपने फिर से एक नई किताब बना ली वो तो आपके किसी काम का वो नहीं, नहीं होगा और आपकी बात से स्पष्ट हो रहा है कि जो मेटेरियल उसको बार बार पढ़ना ज्यादा समझदारी है ना कि हर बार एक नई मटेरियल लेकर के आप और बैठ जाए दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प बिल्कुल आपने एक बात कही की जो है कि आपने करेंट अफेयर की मैगजीन और सब छोड़ करके आपने फिर न्यूज और कुछ पी आई बी चीजों पर फोकस किया ये बहुत बड़ा प्रेशर आता है स्टूडेंट को हाउ टू रीड न्यूज व्हाट इज रेलिवेंट इन द न्यूज़पेपर सिविल सर्विसेज के लिए क्या चाहिए क्या पढ़े क्या छोड़े तो ऐसे अपने अनुभव से लोगों को क्या कहना चाहेंगे शुरुआत में तो नहीं पता होता कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है बट जैसे जैसे प्रिपरेशन करते हैं और जैसे हम स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं तो वो जो जो स्टैटिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो न्यूज़पेपर में आती हैं तो वो ही इंपॉर्टेंट होती हैं स्टैटिक के सिलेबस में ही न्यूज़पेपर का भी सिलेबस दिया होता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है अगर हमने एनसीआरटीज पढ़ी हैं जोग्राफी की बुक्स पढ़ी हैं हिस्ट्री पढ़ी है इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ी हैं तो अगर उनसे कुछ भी टर्म या कुछ भी कॉन्सेप्ट रिलेट होकर न्यूज़पेपर में आ रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है ये एक सिंपल सा मुझे लगता है फंडामेंटल बात है कि जो हमें स्टैटिक पोर्शन में कभी भी दिख भी गया तो अगर वो न्यूज़पेपर में है तो वो इम्पोर्टेंट है उसके अलावा न्यूज़पेपर में हम एक तरीके से पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि ये चीजें नहीं पढ़नी तो पॉलिटिकल न्यूज होती हैं या फिर न्यूज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट या फिर सर धीरे धीरे करके पता चल जाता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं ऐसे परफेक्ट तो आंसर नहीं है आपने uh, ऑलरेडी इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिलेबस कि यदि आप सिलेबस को ध्यान से समझ रहे हैं न्यूज आए इकोनोमी पे आए साइंस टेक पे आए इन्मेंट पे आए इन्चेस्ट। इन्चेस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के अंदर में जो ओवरऑल अप्रोच है वो है कि वो पढ़कर के ही अनुभव प्राप्त किया जा सकता है राइट इसके लिए लोगों का कहना है कि नहीं सिर्फ जो है हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इनके पढ़ना और यही ज्यादा रेलिवेंट है आप भी कुछ ऐसा कहना चाहेंगे सर हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं कोई डेफिनेट न्यूज़पेपर की आ, बात नहीं है कि हमें एक्स न्यूज़पेपर को ही पढ़ना है हम अगर हिंदू पढ़ने में कंफर्टेबल हैं आ, या फिर हम एक्सप्रेस पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो हम वो पढ़ सकते हैं जैसे मैंने शुरू में बात कही थी कि हमें कॉन्फिडेंस रखना है कि जो हमने पढ़ा है वो सफिशेंट है और वो ठीक है तो हिंदू पढ़ के अगर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि यस अब हमने आज का जो अपडेट्स हैं या करंट अफेयर्स हैं वो हिंदू से हो गए हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए खुद पे कि हाँ हमने आज का कर लिया ऐसा नहीं है कि हिंदू पढ़ लिया तो किसी ने आके बोल दिया कि यार बड़ा एक एक्सप्रेस में ज्यादा बात लिखी है या एक्सप्रेस में तो ये लिखा है तो ठीक है एक्सप्रेस वाले को हिंदू की कुछ बातें नहीं पता होंगी हिंदू को एक्सप्रेस वाले की कुछ बातें नहीं पता होंगी तो हमें कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे जो भी पढ़े इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं मैंने किसी अखबार की भक्ति ना कर करके बेसिकली आपको देखना है कि आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ रहे हो और आपके इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट है दैट इज वेरी वेरी जी हिमांशु आप ऑलरेडी दो बार एग्जाम दे चुके पहली बार आपका नहीं हुआ आपने क्लास सेवेंटी मार्क्स में रुक गए और सेकेंड टाइम आपको सिलेक्शन हुआ फोर्थ रैंक भी प्राप्त कर लिया आपने बट प्रमिन एग्जामिनेशन जो है वो कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का तो कुछ बेसिक चीज सीक्रेट ऑफ सक्सेस अगेन सम पॉइंट्स जो आप कहना चाहेंगे जो ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट को राइट फ्रॉम प्रिपरेशन स्टेज टू द वो थोड़ा बताइए सर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो बहुत चैलेंजिंग होता ही है क्योंकि अनडिफाइंड uh, सिलेबस uh, है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना होता है और क्वेश्चन फिर मार्क भी करना होता है ओएमआर शीट पे और ये सब काम होता है दो घंटे का टाइम मिलता है तो प्रीलिम्स में जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है सर सबसे पहले बात फिर से मेंटल हेल्थ की कहूंगा कि जिस हम मूड में जिस मेंटल स्टेटस में स्टेज में हम अपना एग्जाम लिखने जा रहे हैं सुबह का टाइम जो हम स्पेंड करते हैं क्योंकि नींद तो मुझे लगता है काफी कम ही आती है लोगों को प्रीलिम्स से पहले वाले दिन तो सो तो बातें ढंग से है नहीं बट फिर उसके बाद सुबह जब उठ के और जो पेपर हौ, एग्जाम हॉल तक अंदर बैठने तक का टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है सर अगर उस टाइम में हम अ, अपना रिलैक्स माइंड से कंफर्टेबली और स्माइल करते हुए पेपर देने जाते हैं तो इट मेक्स एन एक्सप्रेशन फॉर इट सेल्फ की हम ये समझते हैं कि हमारा पेपर देने का मूड uh, है हम पेपर देने आए हैं और हम कुछ और नहीं सोच रहे हैं सिर्फ uh, अपना पेपर के बारे में और ना ही कुछ रिविजन की जरूरत मुझे लगता है कि उस टाइम पे ऐसे uh, हमें जबरदस्ती में करनी चाहिए कि पियर प्रेशर में आके करनी चाहिए कि बाकी सब खड़े हैं तो मैं भी करूँ मैंने भी दो बार प्रिलिम्स दिया है पर दोनों बार मैं अः uh, सिर्फ और सिर्फ पेन लेकर और एडमिट कार्ड लेकर जाता था मैं देखता था कि पूरा मेट्रो में या फिर एग्जाम सेंटर के बाहर भी लोग खड़े हैं अपना मटेरियल लेके चार अगर चार अभी पढ़ रहे रिवीजन कर रहे हैं जाके जी, तो मैं अपना चुपचाप कोने में जाके खड़ा हो जाता था और मैं सिर्फ स्माइल करके देखता रहता था कि लोग क्या कर रहे हैं और लोगों ने मुझसे कहा भी है कि तुम ऐसे स्माइल क्यों करते हो कि पेपर है अभी तो हमें कुछ ऐसा डर लगने लगता है तो ऐसा भी बात हुई थी बट uh, मुझे लगता है कि सर इतना कुछ खास सोचना नहीं चाहिए क्योंकि उस दो घंटे में ऐसा कुछ आप कर नहीं लेंगे की uh, सारा पेपर उसी से हो जाएगा अपने माइंड को रिलैक्स करना है क्योंकि दो घंटे उसके बाद फुल उसका यूटिलाइजेशन है तो अगर दो घंटे पहले कर लिया तो थक जाएगा माइंड तो मुझे लगता है एकदम माइंड को पूरा चाहिए उस टाइम पे और तब जाके अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड होके पेपर देना चाहिए शुरू करना चाहिए ये आपके एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट ऑफ सक्सेस है जी जो है ये ये मैं जानना चाह रहा था कि इम्पोर्टेंट ये है कि लोग पूरे साल पढ़ने के बाद भी अपने माइंड को थकाने के लिए फिर एग्जामिशन के पहले नाइट्स में भी जाग रहे होते हैं और एग्जामिशन हॉल में भी मोटे मोटे नोट्स और मटेरियल लेके जाके तो जब आप पहले से थके हुए हैं तो जो प्लस टू आवर्स का एग्जाम देना है आपकी आखिर इतनी कितनी कैपेसिटी है कि बारह घंटे चौदह घंटे तक अलर्टनेस कैसे बनाकर रखें बिल्कुल सर बेसिकली यू शुड बी रेडी फॉर द लास्ट मोमेंट कि आप पूरी एनर्जी के साथ cheerfulness के साथ जब जाएंगे तो आपका conference level भी आएगा तो ऐसे लोगों को देख करके आपकी तैयारी इंसान हूँ तो मैं जो भी मुझे लगता है मैं सीधा कह देता हूँ कि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि जरूरत अभी नहीं है इवन uh, मैंने जैसा भी मैं मेरे एक फ्रेंड है बस तो उनके साथ मैंने अपना मेंस दिया है उन्होंने मेंस भी दिया था तो इवन ड्यूरिंग मेंस के जो एप थी मेंस के जो पेपर होते हैं तीन दिन लगातार जब पेपर होते हैं तो उन दिनों हमने कोई रिवीजन या ऐसे कोई पढ़ाई नहीं की थी ऐसे के बाद हम मिले थे तो हमने साथ में रहकर पेपर दिए हैं तो ऐसे के बाद हम पूरा हमारा सेंटर भी पास था तो हम डेली में पूरा Uh, enjoy करके शाम को आते थे अगले दिन फिर पेपर देने चले गए और फिर रूटीन के साथ पेपर देने के बाद शाम को फिर हम सीपी uh, uh, के पास हमारा सेंटर था तो हम सीपी घूमते थे सर दो-तीन घंटे शाम को तो जस्ट टू रिलैक्स आवर माइंड्स तो वो एक बहुत बेनिफिशियल बात थी कि uh, अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अपने बहुत स्ट्रेस लेके एग्जाम देते हैं या टेंशन में रहते हैं कि एग्जाम कैसे पास करेंगे क्या होगा उन लोगों को आपको जरूर यह ध्यान से सुनना चाहिए कि जितना आपका माइंड रेस्टफुल होगा जितना आप स्ट्रेस फ्री रखेंगे उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी और आप ज्यादा कोर्स को भी कवर पकड़ पाएंगे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग हेलो एवरीवन मेरा नाम दीक्षा जैन है और सिविल uh, सर्विसेज 2018 के एग्जाम में मेरी 22वीं रैंक आई है मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू के प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें आप लोगों को uh, ना सिर्फ ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाती है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीडबैक मिलता है जिससे आप अपने परफॉर्मेंस uh, को इम्प्रूव कर सकते हैं मैंने चाणक्य चाणक्यास में मॉक इंटरव्यू दिया और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा uh, बहुत ही डाइवर्स टाइप के क्वेश्चनस भी मिले जिन पर मुझे ना सिर्फ ही तब आंसर करने का मौका मिला बट बाद में मैंने जाके सोचा भी और इसका मुझे uh, अपने इंटरव्यू में बड़ा फ़ायदा हुआ इसके अलावा एक एरिया जिसमें मेरी चाणक्य क्या के इसके मॉक इंटरव्यू से बहुत हेल्प हुई वो था पॉलिटी और गवर्नेंस मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और मैं तब तो आंसर नहीं कर पाई बट मैंने घर जाके उनको अच्छे से पढ़ा और इंटरव्यू में जब उस फील्ड से फिर से सवाल आया तो मैं बहुत अच्छे से बेटर आंसर कर पाई मॉक इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आप अपने इंटरव्यू को मेंस और प्रीलिम्स जितनी इम्पोर्टेंस दें और ये बहुत बड़ा मार्कर होता है आपकी रैंक का तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच और इस एग्जाम मेंस की चर्चा करते हैं ओवरऑल जो मेंस की स्ट्रेटजी है जी, जी और मेंस आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया लेकिन मेंस में जो खास बातें ध्यान रखनी चाहिए अच्छा करने के लिए क्योंकि वैरायटी ऑफ पेपर्स हैं आप इस बार लिख करके और भी डिफरेंट वर्ड लिमिट्स में आंसर लिखते हैं तो इसके लिए आपको जो अपना अनुभव है कैसे आप अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बताइए सर के लिए एक लोग आंसर राइटिंग के लिए बात करते हैं बट आंसर राइटिंग से uh, मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो सीखा है कि आंसर स्ट्रक्चरिंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस है आंसर तो क्वेश्चंस uh, किसी भी तरीके से आ सकता है तो हम अगर हर क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठेंगे तो uh, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन का आंसर लिख पाए तो हमें क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है हमें आंसर बनाना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड तो हमें आंसर यही लिखना है तो मैंने भी यही किया था अपने जो दो मंथ का टाइम था आफ्टर जुलाई ट्वेल्व टू मेन्स ट्वेंटी सेप्टेम्बर को था तो दो महीने आठ दिन में मैंने आंसर राइटिंग सिर्फ लिमिटेड करी थी बाकी आंसर स्ट्रक्चरिंग करी थी आंसर स्ट्रक्चरिंग okay. से जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो ये बात है फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है चाहे का है या किसी भी सब्जेक्ट का है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे 5G की बात करता हूँ तो 5G का क्वेश्चन आता है तो हमें 5G का आंसर स्ट्रक्चराइज करना है कि 5G का क्वेश्चन किसी भी सेंस में आता है तो 5G में क्या इंट्रो हम लिख कर आएंगे इसी तरीके से दो तीन कंक्लूजन जिसमें कोई फैक्ट भी है या कोई फिगर भी है या कोई डायग्राम कुछ भी आता है तो वो हमने डिसाइड कर लिया प्री डिसाइडेड उसके अलावा इंट्रो और कंक्लूजन के बीच में जो चार पांच बॉडी के पॉइंट्स क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज 5G तो पूरा साइंस जो उसके बिहाइंड है वो या फिर 5G आने से क्या होगा एप्लीकेशंस ऑफ 5G एडवांटेजेस ऑफ 5G वो तो इन सब के की प्रॉब्लम्स क्या है 5G क्यों नहीं आ पा रहा है और सॉल्यूशन की कैसे आए तो ये चार या पांच पॉइंट बने तो इनके पांच पांच छे पॉइंट बुलेट्स में लिख के पूरा आंसर टॉपिक को क्लोज कर दिया तो इस तरीके से आंसर स्ट्रक्चर करके मैंने हर पेपर के लिए जीएस वन टू एंड थ्री फोर के लिए किया था और हर चीज का सर आंसर स्ट्रक्चर करके बनाया था टाइम लिमिटेड होता है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना होता है तो एक महीना ऑप्शनल पढ़ा था फिर एक महीना जनरल स्टडीज के लिए पढ़ा था तो जीएस के लिए एक महीना बहुत कम टाइम है तो ये मेरे को प्रोसेस और मेथड अच्छा लगा तो मैंने यूज किया अब उसका रिजल्ट आपके सामने है ही सर तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर नहीं नहीं था नहीं आप कुछ आंसर लिखे और बाकी स्ट्रक्चर कर लिया आपने जी जी सर तो जो जो लोग कहते हैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज करना चाहिए उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आपको लगता है रियली इतनी ज्यादा टेस्ट की जरूरत है मेरे को सर नहीं लगता मुझे लगता है की अपने अगर नॉलेज फुल रखेंगे और हम पढ़ तो सब सकते हैं बट जो पेपर के टाइम पे अगर हमें रिकलेक्ट नहीं हुआ तो उसका फायदा नहीं है हमें इस तरीके से आंसर को लिखना है जैसे मैंने बोला कि पॉइंट्स लिखते चले गए लिखते चले गए पांच से से आठ आठ पॉइंट लिख लिए तो में से अगर छह भी रिकलेक्ट हो गए ड्यूरिंग एग्जाम तो वो पे ऑफ करेंगे तो इसलिए आंसर स्ट्रक्चर करके अपना आंसर वहां लिख देंगे तो काफी है सफिशियंट है आंसर राइटिंग में बार बार अगर आंसर लिखेंगे तो हम हो सकता है ना रिकॉल कर पाए तो आंसर कम लिख के राइटिंग कम करके स्ट्रक्चरिंग ज्यादा कर सकते हैं यह yeah, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपकी इस अप्रोच में दिख रहा है इस yeah, right. कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप कह रहे हैं आंसर लिखिए लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी ज्यादा आप क्वेश्चन के आंसर के लिए जो स्ट्रक्चर है जो पॉइंट्स हैं उसको दिमाग में कितना बिठा रहे हैं ताकि क्वेश्चन आप नहीं जानते क्या पूछा जाएगा लेकिन जब आपके पॉइंट होंगे तो उसमें फिल्टर करके जो बेस्ट पॉसिबल पॉइंट है वो निकाल कर

यूपीएससी uh, में सिर्फ एक दो ऐसे लिखे एक्चुअली जो 2018 के मेंस में दो ऐसे uh, के क्वेश्चंस थे उसके अलावा और वो भी तभी लिख दिए थे uh, क्योंकि तब प्रिपेयर करके देखा था कि अगर लिख पाता हूँ तो कैसे आंसर लिख कर आता तो उसके अलावा ऐसे डायरेक्ट एग्जाम हॉल में लिखा था और जैसे स्ट्रक्चरिंग की बात मैंने अभी आपको बताई कि फाइव जी वाली बात थी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे रिजोल्व हो सकती हैं फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या हैं तो ये एक स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन का बनाया ऐसे ही मैंने एस के भी स्ट्रक्चर एग्जाम हॉल में बनाए थे कोई भी क्वेश्चन आया जो उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ा है और जो जो स्ट्रक्चरिंग की थी आंसर्स में जैसे पॉवर्टी एजुकेशन uh, का जो क्वेश्चन आया एस का तो एजुकेशन रिलेटेड जितने भी आंसर स्ट्रक्चर करे थे वो सारे स्ट्रक्चर उसके अंदर लिखाया था सर सिमिलरली हेल्थ का आया था तो ऐसे कर करके जो स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाए थे उन्हें ऐसे में डाल दिया तो थोड़ा कंटिन्यूटी में आ, अच्छे आएंगे एवरीथिंग वेरी सिंपल कि simple, आपने उसको कठिन बनने नहीं दिया द रूट टू सक्सेस इज आपने बहुत सारा कॉम्प्लिकेट नहीं किया सबसे सुन लिया जितने बहुत सारे टेस्ट्रीज लिखना है तो आप भी लिखने बहुत सारे प्रैक्टिस करने उसमें उसके लिए आपने क्या किया है मानसूम सर एथिक्स के लिए मैंने ड्यूरिंग uh, uh, जो टाइम था सेप्टेम्बर से पहले का तो फोर्थ टू फोर्टीन सेप्टेम्बर मैंने एथिक्स के लिए पढ़ा था तो उसमें Uh, क्या हुआ कि एथिक्स uh, के सिलेबस बहुत वाइड है कि उसमें टर्म्स दे हुए हैं right. और उसके अलावा क्वेश्चंस uh, भी कोई भी आ जाता है व्हाट इज हैप्पीनेस सिंपल क्वेश्चन आता है तो मैंने उसमें भी यही किया मैंने टर्म्स उठाकर मैंने सबसे पहले एक पेपर पे सारे टर्म्स लिख दी थी ऑनेस्टी जो ट्रूथफुलनेस जितने भी क्वालिटीज या टर्म्स हो सकते हैं वो सब लिख के उनका मीनिंग uh, जो है उनकी डेफिनेशन एक तरीके से उनके बारे में सिर्फ डेफिनेशन लिखकर और उनके एग्जाम्पल्स जरूर प्रिपेयर किए थे तो ऐसे जनरल एग्जाम्पल्स प्रिपेयर किए थे, थे कि वो कहीं भी फिट हो जाए हैप्पीनेस में फिट हो जाए या उसमें किसी में भी फिट हो जाए तो क्या होता है कि जब एथिक्स का पेपर आता है तो हमें कन्वे तो करने के लिए सर एग्जाम्पल्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है तो पेपर में मैंने यही किया आ, कि कोई भी क्वेश्चन था प्रोबिटी इंटेग्रिटी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसकी डेफिनेशन से एक तो एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाता है कि आ, क्या डेफिनेशन लिख दी तो डेफिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसके नीचे अगर कन्वे करनी है कोई बात तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं सोशल लाइफ से हो सकते हैं इवन पॉलिटिकल लाइफ से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इंडियन हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तो एग्जाम्पल्स मैंने भरपूर लिखे थे एंड सर होपफुल हूँ कि ऐसे और एथिक्स में ही मार्क्स uh, ज्यादा होंगे uh, आशा तो ऐसी है मार्क्स uh, का कुछ पता नहीं तो एथिक्स का पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने आंसर को बुकेस नहीं रखा दोनों जगह आपने बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से और आपने जो भी जीएस में ऑप्शनल में पढ़ाई की उन सारे इंफॉर्मेशन को आपने यूज किया हुआ ढंग से बिल्कुल नेचुरल ढंग से ताकि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट डेवलप हो कि एग्जामर भी इंजॉय करे कि भाई बुकिस आंसर नहीं कुछ प्रैक्टिकली निकाल के ले जा रहा है वेरी गुड हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा है आपने ग्रेजुएशन भी किया यूनिवर्सिटी से लेकिन इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऑप्शनल सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना चाहिए सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं एक तो बात इंटरेस्ट की है कि आपकी किस में रुचि है क्या सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है क्या सब्जेक्ट पढ़कर ऐसा लगता है कि पढ़ते जाओ कंफर्टेबल है क्योंकि ऑप्शनल है सिलेबस बहुत ज्यादा है और पढ़ना भी काफी होता है उसके साथ साथ जीएस मेंटेन करना है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो जिसमें पढ़ के अच्छा लगे तो एक बात तो है इंटरेस्ट की बट दूसरा ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर भी 500 हैं तो 500 मार्क्स में से सफिशेंट uh, मार्क्स भी लाने हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे तो रैंक अच्छी आए तो दोनों को बैलेंस करना है इंटरेस्ट तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में हो जैसे मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट ज्यादा था इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट था तो मुझे लगा कि हिस्ट्री इज लेस स्कोरिंग देन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल है तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स ज्यादा आ सकते तो मैंने चूज इकोनॉमिक्स को किया हिस्ट्री भी ऑप्शनल अच्छा है तो मुझे जो लगा तो मैंने वो किया तो इन दोनों को बैलेंस करके अगर हम चलते हैं कि हमें मार्क्स जरूर लाने हैं बट पढ़ना भी चाहिए

कि आपको लगा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको इंटरेस्टिंग लगा तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल uh, लेना बहुत uh, एक अच्छा ही होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में मार्क्स uh, मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हैं कि आप स्कूल में या स्कूल टाइम में आपको मैथ्स से अच्छी लगती थी एंड यू वर कंफर्टेबल विद मैथ्स क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं कि जो मैथ्स से दूर रहना चाहते हैं और जो मैथ्स से प्यार करते हैं मैथ्स अच्छी लगती थी या मैथ्स మే కంఫర్టబుల్ థే తో ఎకనామిక్స్ ఈజీ హో జాయేగా తో థోడా అప్నా బ్యాక్ గ్రౌండ్ సే రిలేట్ కర్కే హమే ఎకనామిక్స్ కో చూజ్ కర్నా చahiye క్యుకి ఎకనామిక్స్ మే బాతే హే కి జైసే

तो हम साथ ही इंटरव्यू देने भी गए थे तो उनके साथ ही मैं गया था राइट तो क्या एक एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि इंटरव्यू से पहले एक तरीके से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप किसी से भी कर लीजिए तो उससे क्या है कि हमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हाँ कोई भी आंसर पूछा तो हमने बता दिया नहीं पूछा तो उसका तरीका होता है कि नहीं बता पाए तो सॉरी विल रीड इट ऐसे करके रुक रुक सकते हैं दूसरा हमारा जो अगर डायरेक्ट इंटरव्यू के हॉल में जाके आवाज निकालेंगे तो थोड़ा दबी आवाज या फिर थोड़ा uh, आवाज नहीं निकल पाएगी तो वो प्रैक्टिस हो जाती है बोलने की अब जैसे इंटरव्यू होंगे शुरुआत में एक दो सेकंड या एक दो मिनट के लिए हमें थोड़ी दबी आवाज लगी होगी बट अब प्रैक्टिस हो गई है तो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर फ्रीक्वेंटली फ्रेंकली ऐसे निकल रहा है आवाज तो वो प्रैक्टिस की जरूरत बाकी ऐसे पढ़ना कोई डेफिनेट जरूरी नहीं है uh, मैंने ये भी देखा था कि हॉल में भी लोग न्यूज़पेपर्स uh, uh, पढ़ रहे थे तो मैं uh, मेरा फैसे तो फर्स्ट ही वो था तो फर्स्ट uh, इंटरव्यू uh, मेरा ही था सेशन uh, में बट तब भी मैं uh, चुपचाप बैठे बैठ के सब स्माइल करके देख ही रहा था सर इसका मतलब है कि लोग इंटरव्यू के दिन में भी जाकर के रिविजन कर रहे हैं या जबकि वहां एक कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आगे मुझे फेस कैसे करना पर एक इंटरेस्टिंग चीज बात की आपने इंटरव्यू तो से पहले जो वॉइस है जी अभी जी, खुल जाना जी या कम्युनिकेशन को टर्ण अप हो जाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में ये तीनों चीजें मैटर करती हैं कि आपके कंटेंट के साथ आपका टोन एंड बॉडी लैंग्वेज दोनों कैसे तो आपके अपने फ्रेंड के साथ वो जो बात करी की कन्वर्सेशन में वो खोल गई राइट आपकी इंटरव्यू की शुरुआत कैसे अभी कहाँ से आपका बोर्ड किसका था जोशी सर का बोर्ड था सर मेरा और इंटरव्यू की शुरुआत सिर्फ डेव देख के ही हुई थी कि आ, मेरे से पूछा गया कि आपने सिर्फ बीए करा है इकोनॉमिक्स में तो आगे पढ़ सकते थे एज भी अभी कुछ ज्यादा नहीं थी तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की तो इस तरह के क्वेश्चन से मेरी शुरुआत हुई थी तो क्या जवाब दिया आपने हिमांशु उसका सर uh, मैंने बताया कि uh, मैं पढ़ सकता था और मैं एम के लिए डीएससी में एडमिशन हो भी सकता था बेस्ड ऑन द मेरिट बट आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि मैं यूपीएससी अभी दे सकता हूँ अगर मैं जल्दी सर्विसेज में जाता हूँ तो ग्रोथ चांसेस ज्यादा हैं एंड ऑफ माई करियर ए पीक पे जाके आई मे गेट टू बी ए पार्ट ऑफ सेक्रेटरीशिप जो हाईस्ट लेवल्स के होते हैं तो मैंने डिसाइड किया था तो मैंने सर वो आंसर अपना फ्रेंकली बता दिया था

और बजट भी उसी दौरान थोड़े दिन पहले ही आया था और इकोनॉमिक सर्वे तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस की टैक्स रिजीम चेंज हुई है तो क्या इंपैक्ट होगा या कोविड की भी कुछ कुछ बातें चल रही थी तो कोविड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी तो ये सब तरीके के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए एक जगह मुझसे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे गए जो कि मैं आंसर इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया उसके अलावा जनरल क्वेश्चंस थे मेरे कॉलेज के बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस पूछे गए कि हंसराज कॉलेज ने किन ग्रेट पर्सनालिटीज को बनाया है तो इस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए सर ओके okay. मतलब ये आपके बायोडाटा से रिलेटेड टैब से सारी चीजें आपके क्वेश्चन थे कहीं कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन भी आपके लिए आया पूरे इंटरव्यू के दिन में यस yes, सर वो जब मैं काफी क्वेश्चंस जैसे ऑप्शनल uh, में काफी जो डीप क्वेश्चन थे वो आंसर uh, नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि uh, शायद इंटरव्यू गलत दिशा में जा रहा है बट देन uh, वही कॉन्फिडेंस मेंटल स्टेट वाली बात है कि अपना कॉन्फिडेंस से बैठे रहो ठीक है नहीं होगा तो भी क्या तो uh, अपना इंटरव्यू पे फोकस करो टिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू आई केप्ट स्माइलिंग एंड इट वाज गुड सर यू Took it again a comfortable journey था? Uh, पूछा गया था uh, कि जो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी और इनमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है या इस तरीके को क्वेश्चन पूछा गया था तो वो आंसर मैंने जनरल कर दिया था क्योंकि हमने पढ़ा भी है और जीएस का भी पार्ट है

कुछ ऐसा करना है कि जो देश में लोग हैं वो जॉब सीकर से जॉब गिवर बने इंडिपेंडेंट बने लोग क्योंकि जब तक लोग डिपेंडेंट रहेंगे चाहे वो एजुकेशन की वजह से हो या हेल्थ की वजह से हो अगर लोग डिपेंडेंट हैं तो जो ह्यूमन लाइफ का जो Uh, जो एसेंस है ऑफ लिविंग वो वो नहीं आ पाता। दे टेंड बिलीव कि वो हम किसी और की इच्छा पे जी रहे हैं हम मर्सी पे जी रहे हैं uh, कि कोई और मालिक है हमारा सो दे शुड बिकम इंडिपेंडेंट एंड अगर वो लोग ऐसा बन जाते हैं इवन टू पुअर पीपल के लिए मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूँ कि वो किसी और की मर्सी पे ना रह के वो इंडिपेंडेंट रह के अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करें और अपनी जिंदगी जिए तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में कुछ काम करना चाहूंगा सर तो वो मेरे को लगता है एजुकेशन के सेक्टर से ज्यादा होगा कि एजुकेटेड हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट होने में ज्यादा चांसेस हैं तो एजुकेशन के सेक्टर में काम करना चाहिए हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है आज के लाइविलिटी में जो कन्वर्ट हो गई है जी सर तो हम एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप कि आपके इंटरव्यू को वॉच करके जो फ्यूचर स्पेरेंट्स हैं उनको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी आएंगी एक स्ट्रेस फ्री स्टडी क्या होती है एक आपका जो सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है जो आपके सीक्रेट ऑफ सक्सेस अपने अलग अलग स्टेज पे बताए नॉट ओनली कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना ज्यादा पढ़ते हैं और कितनी किताब पढ़ पढ़ते इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जामिशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए